ये आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का LXi वेरिएंट, VXi वेरिएंट एंड ZXi वेरिएंट। LXi, VXi, VXi ऑप्शनल, ZXi एंड ZXi प्लस में आती है। और ये जो तीन वेरिएंट्स हैं LXi, VXi एंड ZXi, यही जो है सबसे ज्यादा बिकने वाले वेरिएंट्स हैं। बाकी आप लोगों को इसका तीनों का कंपैरिजन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं LXi वेरिएंट की एक्सशोरूम प्राइसिंग की, 6,30,000 रुपीज। VXi वेरिएंट की 7,30,000 रुपीज। ZXi वेरिएंट की 8,29,000 रुपीज, मतलब मोटा मोटा 8,30,000 रुपीज के आसपास ही है। तो तीनों में जो है 1-1 लाख रुपए का अंतर है, और क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसकी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं LXi वेरिएंट की। यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रिल देखने को मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है विद 10 इंडिकेटर बल्ब एंड पार्किंग लाइट। नीचे की तरफ फॉगलाइट नहीं आएगी, फॉगलाइट लगाने के लिए स्पेस जरूर मिलता है वहां पर, जो कि आफ्टर मार्केट या एक्सेसरीज के रूप में लगाई जा सकती है। ये रहने वाला है साइड से लोग गाड़ी का। साइड में 14 इंच के स्टील रिम मिलेंगे सिल्वर फिनिश में। यहाँ पर आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक। फेंडर में मिलेंगे 10 इंडिकेटर, आउटसाइड ओआर बीम्स ब्लैक फिनिश में। मैनुअली उनको अनफोल्ड या फोल्ड और एडजस्ट भी मैनुअली ही करना पड़ेगा। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल दिए गए एंड ये लोग है गाड़ी का कंप्लीट पीछे से। पीछे एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है। रियर विंडशील्ड में रियर डिफॉगर वहां पर प्रोवाइड किया गया है। स्विफ्ट की बैजिंग, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ये सारे फीचर्स बेस वेरिएंट से आप लोगों को मारुति ऑफर करता है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। बाकी रियर डोर का एक लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चारों पावर विंडो के आप लोगों को कंट्रोल्स मिल जाते हैं चारों ही डोर में। हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, स्पीकर लगाने के लिए स्पेस, और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट। फिक्स हेडरेस्ट आएंगे यहाँ पर। सीट का पैटर्न वगैरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तरीके का देखने को मिलता है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में काफी कुशनी सीट्स मिलती हैं। 3-पॉइंट सीट बेल्ट विद आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करे गए। और ये फ्रंट डैशबोर्ड का रहने वाला है लोग पीछे की सीट से। और आइए अब गाड़ी के LXi वेरिएंट का ड्राइवर साइड गेट का लुक दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ दिखता है LXi वेरिएंट का यहाँ पर ड्राइवर साइड गेट का लुक। स्विफ्ट के चाबी की बात करें तो ऐसी कुछ चाबी देखने को मिलती है सेंटर लॉकिंग के साथ। फ्रंट के दोनों डोर में फैब्रिक टच दिया गया है। ऑल फोर पावर विंडो की कंट्रोल ड्राइवर साइड विद वन टच ऑटो अप एंड ऑटो डाउन। यहाँ से आप लोग डोर अनलॉक लॉक कर सकते हैं, विंडो अनलॉक लॉक कर सकते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर दोनों ही डोर में मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फीचर, हेडलाइट का लेवल एडजस्ट किया जा सकता है वहीं से। नीचे की तरफ प्रॉपर डेट पेडल मिलता है। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की फ्रंट की सीट। सीट्स में भी आप लोगों को यहाँ पर जो है गाड़ी के अंदर एयरबैग देखने को मिलते हैं। तो टोटल 6 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर। सीट्स की हाइट यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते इस बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी अंदर से आप लोगों को लुक दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है LXi वेरिएंट के अंदर। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर, और बीच में MID मिलती है जहां ट्रिप रेट भी आप लोगों को शो कर देगा गाड़ी के रियल टाइम एवरेज के साथ, और साथ ही साथ फ्यूल लेवल वगैरह। आरपीएम मीटर मिल जाता है बेस वेरिएंट जो कि पहले नहीं मिलता था। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल, ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। वाइपर पीछे नहीं आएगा इस वेरिएंट में, रियर विंडशील्ड में। टिल्ट फंक्शन के साथ आता है स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के अंदर। किसी भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। ऑल ब्लैकआउट फिनिश में डैशबोर्ड का लेआउट दिया गया यहाँ पर। और ये इसके AC वेंट्स भी कंप्लीट ब्लैक फिनिश में। यहाँ से हजार लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का AC सिस्टम दिया गया है कंप्लीट, देखने में काफी अच्छा लगता है आप लोगों को। और जो कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले के साथ आप लोगों को मिल जाता है AC विथ हीटर। नीचे की तरफ यहाँ पर 12 का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्डर, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर आर्मरेस वगैरह नहीं मिलेगा, बीच में कप होल्डर मिल जाता है। और साउथ की सीट की अपोस्टी वगैरह काफी कंफर्टेबल है, हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं। एरीनेस जरूर आती है गाड़ी के अंदर। बेसिकली रूम गाड़ी के अंदर काफी अच्छा मिलता है 4 पैसेंजर्स के लिए। बाकी पीछे की सीट में 3 लोग भी एडजस्ट होकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर सनशेड वगैरह में वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलेगा, वहां पर रीडिंग लाइट दी गई है। रियर व्यू मिरर को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर वो क्लिप मिसिंग है डे और नाइट के हिसाब से वाली जो रहती है। बाकी आइए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसके जो VXi वेरिएंट है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है वहां पर, अगर LXi से कंपेयर करें तो। क्योंकि तीनों ही वेरिएंट में लगभग 1-1 लाख रुपए का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाड़ी के अंदर। बाकी दोस्तों LXi वेरिएंट के अंदर यहाँ पर A पिलर, B पिलर आप लोगों को ब्लैकआउट फिनिश में नहीं मिलेगा, कंप्लीट बॉडी कलर में ही मिलेगा। और ये इसका VXi वेरिएंट का कंप्लीट लुक है। यहाँ पर फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट सेम देखने को मिलती है, ऐसे कुछ आप लोगों को लुक मिलता है यहाँ पर VXi वेरिएंट का। बाकी साइड में 14 इंच के ही आप लोगों को ब्लैक फिनिश में स्टील रिम मिलेंगे विद व्हील कैप, जब गाड़ी लेंगे तो व्हील कैप लग के मिलेंगे साथ में। यहाँ पर जो ORVM से बॉडी कलर मिलते हैं विद 10 इंडिकेटर, बॉडी कलर डोर हैंडल प्रोवाइड करे गए। और पीछे से आप लोगों को लुक दिखाता हूँ गाड़ी का, पीछे से ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है यहाँ पर। LED टेल लाइट, स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। रियर विंडशील्ड में रियर डिफॉगर मिलता है। वाइपर VXi वेरिएंट में भी यहाँ पर अभी तक नहीं मिल रहा है।
रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए, रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बूट में जो कि बेस वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्सल ट्रे मिल जाती है यहाँ पर, ये काफी अच्छी चीज है जो कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। 265 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, इसको उठाएंगे तो उसके नीचे मिलता है स्पेयर व्हील विद टूल किट, यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और रियर सीट जो है वो भी यहाँ पर कम्प्लीट फोल्ड हो जाती है। दिखता है VXI वेरिएंट के पीछे के डोर का लुक कंप्लीट ऑल ब्लैक फिनिश में, पावर विंडो की कंट्रोल, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के कंप्लीट रियर की सीट्स का लुक। फिक्स हेडरेस्ट से मिलते हैं VXI वेरिएंट में भी यहाँ पर, और एसी वेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आ रहे हैं अभी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट्स वगैरह मिलते हैं। और ये है इसके VXI वेरिएंट का अंदर से कंप्लीट ड्राइवर साइड डोर का लुक। यहाँ पर ऐसे कुछ आप लोगों को कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। आउटसाइड ओआरएम्स को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड एंड फोल्ड मैनुअली ही करना पड़ेगा इस VXI वेरिएंट के अंदर। प्रॉपर डैट पेडल मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट जो है यहाँ पर अभी भी आप लोगों को मतलब हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते इस VXI वेरिएंट के अंदर। एक अंदर से आप लोगों को लुक दिखाता हूँ कम्प्लीट डैशबोर्ड का, तो ऐसा कुछ आप लोगों को लुक प्रोवाइड किया गया है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर, और बीच में MID मिल जाती है गाड़ी के अंदर। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा यहाँ पर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। राइट साइड में हेडलाइट की कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर की कंट्रोल, और VXI वेरिएंट में आप लोगों को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करेगा ये। स्टीयरिंग व्हील से ही आप लोग वॉल्यूम को म्यूट वगैरह, फोन ब्लूटूथ एंड फोन के कंट्रोल्स मिलते हैं साथ ही साथ। एंड ये इसके एसी के कंट्रोल्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले के साथ। नीचे की तरफ 12 का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया, USB पोर्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिलते हैं, और ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर दिया गया है। हैंडब्रेक रेंज थोड़ी स्पेस मिलती है, बाकी सीट्स वगैरह जो है काफी कंफर्टेबल मिल जाती है। और LXI से कंपेयर करेंगे तो VXI में यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आप लोगों को स्पीकर्स के साथ, ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट मिल जाती है, पैसेंजर साइड सनसेट विद वैनिटी मिरर जो कि LXI में नहीं था, ड्राइवर साइड सनसेट विद टिकट होल्डर। तो ये सारे फीचर्स हैं आप लोगों को जो कि देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और अब दिखाता हूँ इसका जो ZXI वेरिएंट है उसमें क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी का, मारुति सुजुकी स्विफ्ट का ZXI वेरिएंट, और यहाँ पर वाइट एलुमिनियम के साथ आती है इसकी LED हेडलाइट विद LED DRLs, पार्किंग लाइट और 10 इंडिकेटर के साथ। पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाता है, और ये गाड़ी का लुक है कम्प्लीट साइड से। 8,30,000 रुपीज जो है इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग है, 8,30,000 रुपये। साइड में 15 इंच के सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील मिलते हैं, आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। आउटसाइड ओआरवीएम्स इंटरनली एडजस्टेबल और फोल्डेबल फंक्शन के साथ मिलना चालू होंगे इस वेरिएंट से विद 10 इंडिकेटर। फ्रंट के दोनों ही डोर्स में कीलेस ग्रो का फीचर, ऊपर की तरफ नॉर्मल पोल टाइप एंट्री नहीं आएगा, और ऐसा कुछ दिखता है कम्प्लीट बैक साइड के ZXI वेरिएंट का। VXI से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ZXI वेरिएंट के अंदर आप लोगों को रियर विंडशील्ड में रियर डिफॉगर तो मिल ही रहा था बेस वेरिएंट से, लेकिन यहाँ पर रियर वाइपर एंड वॉशर वगैरह भी दे दिया गया, बाकी टेल लाइट्स वगैरह सेम ही देखने को मिलती हैं आप लोगों को। स्विफ्ट की बैजिंग दी गई है वहां पर, उसका बूट एक बार आप लोगों को ओपन करके दिखवाता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, पार्सल ट्रे मिल रही है, और यहाँ पर दोनों ही LXI और VXI से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो सीट है रियर की 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ प्रोवाइड करी गई है। पार्सल ट्रे मिलने वाली है आप लोगों को, हालांकि बूट में आप लोगों को यहाँ पर लाइट भी प्रोवाइड करी गई है इस वेरिएंट के अंदर जो कि वहां पर नहीं थी। और यहाँ पर स्पेयर व्हील मिल जाता है 14 इंच का विद आप लोगों को टूल किट। और आइए पीछे का आप लोगों को दिखाता हूँ रियर सीट का यहाँ पर ZXI वेरिएंट का। तो ऐसा कुछ दिखता है ZXI वेरिएंट का कंप्लीट लुक यहाँ पर, ऑल ब्लैक फिनिश में डोर आप लोगों को हैंडल दिया गया, पावर विंडो की कंट्रोल, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट। यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए हैं अब दो, 60-40 स्प्लिट फंक्शन आ गया रियर सीट में ZXI वेरिएंट के अंदर। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से मारुति स्विफ्ट के ZXI वेरिएंट का। साथ ही साथ रीडिंग लाइट्स आप लोगों को नहीं मिलती यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ड्राइवर साइड डोर में कीलेस गो का फीचर दिया गया, और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक। फ्रंट के दोनों ही डोर में सॉफ्ट टच फैब्रिक, ड्राइवर साइड विद वन टच ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दिया गया, डोर अनलॉक लॉक कर सकते हैं, ORBMs यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और अनफोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली। और ये कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है, और यहाँ पर हाई एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन आ गया ड्राइवर साइड सीट में ZXI वेरिएंट के अंदर। और ऐसे कुछ पेडल दिखते हैं प्रॉपर डेट पेडल के साथ, बाकी जो सीट्स है गाड़ी की वो काफी कंफर्टेबल मिलती है स्पेशली फ्रंट की। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और ऐसा कुछ दिखता है कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रुक, राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में RPM मीटर, और बीच में MID मिलती है जहां डिस्टेंस टू एम्प्टी, आउटसाइड टेम्परेचर, डेट, टाइम, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ये सारी चीजें बता देगा ट्रिप पे, ट्रिप भी, और गाड़ी के रियल टाइम एवरेज के साथ।
लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिलता है, कई सारी वार्निंग लाइट्स वहां पर शो हो जाएगी। बाकी ऐसी कुछ विजिबिलिटी रहने वाली है, विजिबिलिटी वाइज गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, आइडियल स्टार्ट ऑफ का फीचर है और ये सारे फीचर तो मिल ही रहते हैं। इंजन स्टार्ट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर VXI ऑप्शनल से मिलना चालू हो जाता है और ये ZXI वेरिएंट आप देख रहे हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट का फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, रियर वाइपर मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर और ऐसा कुछ दिखता है कंप्लीट ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा नहीं मिलेगा ZXI वेरिएंट में। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा ये ब्लूटूथ FM रेडियो के साथ और कई सारे कनेक्टेड कार फीचर्स भी सपोर्ट करेगा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे की तरफ क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक AC दिया गया है यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले के साथ, ये आप लोग देख सकते हैं ऑटो का बटन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एंड साथ ही साथ 12 को चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB आप लोगों को सॉकेट दिया गया और काफी पावरफुल AC मिलता है गाड़ी के अंदर। AC जो है केबिन को काफी जल्दी चिल कर देता है यहाँ पर इस स्विफ्ट के अंदर। वायरलेस चार्जिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है, USB टाइप पोर्ट के साथ 12 को चार्जिंग सॉकेट मिलता है और ऐसी कुछ चाबी देखने को मिलती है इसे मारुति स्मार्ट कहता है, लॉक और अनलॉक के फीचर के साथ। सेम मारुति के स्विफ्ट में अगर पुराना टॉप वेरिएंट आप लेते तो सेम चीज देखने को मिलती थी। और इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 5-speed EMT का भी ऑप्शन है। यहाँ पर टाइप एंड टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं फोन वगैरह चार्ज करने के लिए, आर्मरेस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर। और सीट्स वगैरह जो है सेम कंफर्ट आप लोगों को ऑफर करती है नीचे के वेरिएंट जैसे यहाँ पर फ्रंट की। ग्लव बॉक्स भी डिसेंट स्पेस के साथ है, कूलिंग फंक्शन वगैरह नहीं मिलेगा यहाँ पर ग्लव बॉक्स के अंदर। पैसेंजर सीट सनशेड विद वैनिटी मिरर, ड्राइवर सीट सनशेड विद टिकट होल्डर, यहाँ पर रीडिंग लाइट दी गई है और यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं रियर व्यू मिरर को डे और नाइट के हिसाब से इस ZXI वेरिएंट के अंदर। और चलिए मैं इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ गाड़ी का यहाँ से। अब तो ये है दोस्तों मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाला 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नया जेड सीरीज पेट्रोल इंजन और ये इसका कंप्लीट लुक है, लगभग 80 bhp की पावर निकाल के देगा है, 111 nm ऑफ टॉर्क और एवरेज जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24 kmpl, AMT के साथ 25 kmpl का एवरेज मारुति क्लेम करता है इस इंजन के साथ। ऊपर बोनट में पैडिंग मिलती है इससे केबिन में साउंड कम जाए, यहां से डाल सकते हैं वाइपर एंड वॉशर फ्लूइड। इंजन के नीचे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है यहां पर। 3 सिलेंडर 1.2 लीटर नया जेड सीरीज पेट्रोल इंजन आप ये देख रहे थे। तो चलिए मैं गाड़ी का बोनट क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट के तीनों ही वेरिएंट्स का कंपैरिजन वीडियो मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।